दोस्तों आप लोगों ने वो कहावत तो सुनी होगी कि गए थे नमाज पढ़ने और रोजे गले पड़ गए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं आपको आज की इस वीडियो में, दोस्तों एक बात को समझिए कि आप लोगों ने किसी भी तरीके से अगर बैक डेट की डिग्री ली है, किसी भी यूनिवर्सिटी से ली है, बैक डेट में कोई भी कोर्स किया है, शॉर्टकट में आपने डिग्री ली है, तो यही हाल है आप लोगों के साथ। क्यों है ऐसा? वो इसलिए है कि जब आप डिग्री लेते हो, जब तक डिग्री नहीं ली आप टेंशन फ्री हो, सिर्फ एक ही बात की टेंशन है कि मुझे डिग्री चाहिए और किसी ना किसी जॉब में लगानी है, या मुझे अब्रॉड जाना है, या गवर्नमेंट जॉब में लगानी, या फिर किसी अच्छी कंपनी में लगानी है, मल्टीनेशनल कंपनी में लगानी है, या फिर डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवाना है, फिर अब्रॉड निकलना है। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी तब हो जाती है जब आप डॉक्यूमेंट ले लेते हो और डॉक्यूमेंट लेने के बाद भी दिमाग में एक ही टेंशन रहती है कि अब हम इन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कैसे कराएं, कहीं डॉक्यूमेंट्स गलत तो नहीं, और ये समस्याएं कब आती हैं सामने, और ये क्वेश्चंस कब खड़े होते हैं जब आप देखते हो नई नई खबरें न्यूज़पेपर में, मीडिया में, या नई नई तरीके से सोर्सेज से जो कि पता चलती है आपको, आज कोई स्कैम हुआ, आज कोई फर्जी डिग्री पकड़ी गई, ऐसी बहुत सारी बुलाबुला चीजें होती हैं, वो सब चलती रहती हैं अपने समाज में। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि दोस्तों अगर आप लोगों ने अपनी डिग्री ली है किसी भी पर्पस के लिए, आपने ली है, आप चाहते हो गवर्नमेंट जॉब में लगाओगे आगे जाकर, आप चाहते हो कि डॉक्यूमेंट के थ्रू आप अब्रॉड निकल जाओगे जॉब करने के लिए, अपने आप को वहां जाके अपसेट कर लोगे, आप चाहते हो कि मैं अपोस्टिल करवाऊंगा, डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट कराऊंगा, फिर आगे निकलूंगा स्टडी अब्रॉड के लिए, या फिर आप चाहते हो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना, दोस्तों कोई भी बड़ी चीजों के लिए अगर आप चाह रहे हो उन डिग्री को लेना, तो अपने दिमाग से इस फुतूर को बिल्कुल निकाल देना, क्योंकि आपकी ये डिग्री ऐसी कहीं भी जरूरत में आपके काम नहीं आने वाली। मैं बताऊंगा आज सब कुछ आपको अपनी इस वीडियो में, बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। दोस्तों आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी इंडिया और मैं हूं आपका दोस्त वीरेंद्र वर्मा। हम इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस लेकर आपके सामने आते हैं और आपको सब कुछ बताते हैं क्या कुछ चल रहा है एजुकेशन की दुनिया में, और एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को। दोस्तों अगर आप आए हैं पहली बार हमारी वीडियो पे, देख रहे हैं पहली बार हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब कर दें, अभी साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस और नोटिफिकेशंस आपको मिल सके सबसे पहले। दोस्तों हम आते हैं सीधा पॉइंट पर। आपने डॉक्यूमेंट लिए हो किसी भी यूनिवर्सिटी से, कहीं से भी आपने बैक डेट में कोर्स किया हो, दोस्तों एक बात तो कान में आप जरूर डाल लीजिए, इस बात को गांठ बांध लीजिए कि वो डॉक्यूमेंट आपके किसी भी काम नहीं आने वाले हैं। दोस्तों बच्चे की तरह काम कर जाए, बच्चे को आप लॉलीपॉप दे दो ना और बच्चा खुश हो जाता है कि मेरे को तो पूरा जहान मिल गया, उसी तरह से आपके पास ये डिग्री है। ये डिग्री आप जब भी किसी गवर्नमेंट जॉब में लगाएंगे वहां से वेरिफिकेशन होकर यूनिवर्सिटी नहीं भेजेगी। आप अब्रॉड चले गए हैं, जॉब कर रहे हैं अपने उन्हें डिग्री के बेस पर, मैं आज ही आपको बताता हूं अपने डॉक्यूमेंट्स पर आरटीआई लगा लो, देखो आपके आरटीआई का जवाब नहीं आएगा। आपने मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब ऑलरेडी आप कर रहे हो किसी बैक डेट की डिग्री के बेस पर, आप आज ही आरटीआई लगाओ, देखो रिप्लाई आपके पास नहीं आएगा। दोस्तों क्यों ऐसी प्रॉब्लम सामने खड़ी होती ही क्यों है? दोस्तों एक बात समझ लीजिए, पहली बात तो आप लोग इस बात को गांठ बांध लीजिए कि आप किसी भी उस यूनिवर्सिटी से डॉक्यूमेंट ही नहीं लेंगे जो यूनिवर्सिटी आरटीआई का रिप्लाई नहीं करती है और आरटीआई में वेरिफिकेशन नहीं देती है। दोस्तों आपने लिए हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से डॉक्यूमेंट्स, आज ही उस पर आरटीआई लगाएं, आरटीआई मांगे यूनिवर्सिटी से। यूनिवर्सिटी हमेशा आरटीआई का जवाब देने से बचती है, वो इसलिए बचती है क्योंकि आरटीआई जवाब एक बार दे दिया तो पूरी जिंदगी के लिए वो कभी आपके डॉक्यूमेंट्स को मना नहीं कर सकते। और अभी तक जब तक हम लोग अपने चैनल पर आप लोगों को अवेयर करना शुरू नहीं किया था, जब तक धरले चल रहा था लोग बैक डेट डिग्री ले रहे थे, बट जब से लोग अवेयर हुए हैं हमारे माध्यम से आरटीआई और नेट वेरिफिकेशन के चलते, तब से ही यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस की नाक में दम हो चुका है, क्योंकि हर स्टूडेंट मांगता है कि मुझे आरटीआई वेरिफिकेशन चाहिए या फिर नेट वेरिफिकेशन चाहिए। दोस्तों आप जा रहे हैं अब्रॉड, चाहे वो पढ़ने के लिए, चाहे जॉब करने के लिए, या फिर आप अब्रॉड में हैं, क्योंकि हमारा चैनल बहुत सारी कंट्रीज में देखा जाता है, लोग आप लोग हमें रिप्लाई करते हो वहां से, कई लोग हमें भेजते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट्स पर आरटीआई लगाएं, हम आरटीआई लगाते भी हैं, वेरीफाई भी करवाते हैं उन चीजों को। दोस्तों डिफरेंस बस देखो यही है कि आपने मान लीजिए हिंदुस्तान में किसी भी यूनिवर्सिटी से डॉक्यूमेंट्स लिए, पहले ही बात कर लीजिए हमें आरटीआई लगानी है, आरटीआई से वेरीफाई नहीं होगा तो हमारे डॉक्यूमेंट किसी काम के नहीं है। दोस्तों हम लोग बिल्कुल अगेंस्ट हैं, बिल्कुल अपोज करते हैं, बिल्कुल भी फेवर नहीं करते हैं बैकडेट एजुकेशन का, इसीलिए हम लोग वीडियोस बनाते हैं आपको अवेयर करने के लिए कि बैकडेट एजुकेशन मत लो, सिस्टमैटिकली पढ़ाई करो, सिस्टमैटिकली एजुकेशन लो, कम से कम आपके पास आपका एडमिट कार्ड तो होता है। बट इन सब में ना आपके पास एडमिट कार्ड है, ना पेमेंट की स्लिप है, ना आरटीआई है, ना कोई सॉलिड वेरिफिकेशन का प्रूफ, और ना ही आपको यह पता है कि आप कैंपस कहां है, कि कैंपस तो आप कभी गए ही नहीं, और भी बहुत सारी चीजें बुलाबुलाएं सामने ऐसी आती हैं जो भी अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं तो आपके पास अक्सर जवाब नहीं होता है। दोस्तों पहली बात तो अपने आप से प्रॉमिस कर लो कि अगर आपने अभी तक कोई भी डॉक्यूमेंट लिए किसी भी यूनिवर्सिटी से लिए, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से लिए, ये भी देखा गया है कि जिन लोगों ने सिस्टमेटिकली कोर्स किया था वक्त आने पर उन्हें भी मना कर दिया उन यूनिवर्सिटीज ने।
जो लोग गवर्नमेंट जॉब में लग गए, गवर्नमेंट वेरिफिकेशन गई, तो दोस्तों जो वेरिफिकेशन गई आपके डिपार्टमेंट में, कोशिश करो उस लेटर को निकालने की। आपके पास लेटर मिल जाए, कम से कम एक कॉपी है कि हाँ यूनिवर्सिटी ने वेरीफाई किया था। आप उसी लेटर के साथ में लगाओगे ना RTI, तो देखना ये यूनिवर्सिटी उसको ही मना कर देगी। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर आप बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते, एक पैसे के भी भरोसे लायक ये यूनिवर्सिटीज नहीं है। यूनिवर्सिटीज बनी है सिर्फ आप लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। अपने डॉक्यूमेंट्स को RTI से वेरीफाई कराओ। दोस्तों यही यूनिवर्सिटीज जहां प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में आपने एडमिशन लिया है और आपने अपने सपने सजोए हैं बड़े बड़े कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूंगा, मैं अब्रॉड जाऊंगा पढ़ाई के लिए या जॉब के लिए या किसी भी चीज के लिए, दोस्तों ये सारे के सारे सपने चकनाचूर कर देती हैं यूनिवर्सिटीज। ये पैसा कमाकर ये तो अपने महल खड़े कर लेते हैं, यूनिवर्सिटी पर यूनिवर्सिटी बनाना शुरू कर देते हैं, बहुत पैसा कमा लेते हैं, आपसे पैसा लूट लेते हैं। वो ऐसा क्यों होता है? वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्होंने आपको कोई सॉलिड गवर्नमेंट प्रूफ दिया नहीं है। इनका जब मन करेगा तब आपके डॉक्यूमेंट्स को साफ साफ तरीके से नकार देंगे, मना कर देंगे हमने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए। और दोस्तों आप में से कोई भी स्टूडेंट सोच रहा हो ना कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूंगा, ऐसे डॉक्यूमेंट बैक डेट को लेकर दिमाग से निकाल देना, लगाना भी मत गलती से भी, जब तक आपके पास बहुत स्ट्रांगली एविडेंस ना हो यूनिवर्सिटी का अगेंस्ट कि हाँ मैंने यहाँ से एक कोर्स किया है और यूनिवर्सिटी ने ही मुझे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। वरना तो दोस्तों आपकी मर्जी है, आप अब्रॉड जाना चाहते हो, जॉब करना चाहते हो तो भी, वरना जेल आप जाओगे, ना कंसल्टेंट जाएगा ना यूनिवर्सिटी जाएगी, यूनिवर्सिटी हाथ खड़े कर देगी, फंसोगे आप लोग। अपने डॉक्यूमेंट्स को आज ही इसी वक्त RTI लगाना, मैं आपको समझा रहा हूँ। आपको मेरी बात समझ नहीं आएगी, देर समझ आएगी, पर जब तक समझ आएगी सब कुछ लूट चुका होगा आप लोगों का। दोस्तों हमारा कोई मोटो कोई पर्पज नहीं आप लोग डराने का, सिर्फ हम लोग चाहते हैं आप लोगों को रियलिटी दिखाने का, शीशा दिखाना चाहते हैं आप लोगों को कि आप कहाँ खड़े हो। आपने डॉक्यूमेंट किसी से भी लिए थे, कोई भी एजेंट था, कहीं भी कुछ भी था, कल कोई एक्शन हुआ तो जेल पहले आप जाओगे, बाद की बात है कंसल्टेंट की। यूनिवर्सिटी हाथ खड़े कर देती है, हमने डॉक्यूमेंट्स ही नहीं दिए। दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहूंगा मैं, अक्सर जब भी हम वीडियोस बनाते हैं तो आप लोग हमें बोलते हो कि सर हमने डिग्री ले ली है, माइग्रेशन ले लिया है, पेमेंट यूनिवर्सिटी अकाउंट में किया था और भी बहुत सारी चीजें। अगर आपको लगता है कि आप हाँ आप वेरीफाइड स्टूडेंट हो, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हैं, तो एक बात अलग है, हालांकि वो भ्रम है आपका, वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को RTI लगाइए। RTI लगाना कोई बड़ी चीज नहीं, आप खुद भी RTI लगा सकते हो, बहुत कम इसकी फीस होती है, या फिर किसी एडवोकेट को हायर करो, किसी RTI एक्टिविस्ट को हायर करो। हम क्यों बोलते हैं कि RTI ढंग से लगाओ, उसके थ्रू लगाओ, उस आदमी से बोलो RTI लगाने के लिए, जो कि अगर RTI का जवाब ना आए या गलत हो जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाए आपके साथ तो आपके साथ वो खड़ा हो। अगर आपके साथ वो खड़ा नहीं है तो पैसा बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे डॉक्यूमेंट्स हैं वैसे ही अपनी गाड़ी चलाते जाओ। दोस्तों प्राइवेट जॉब आपको करनी है, कहीं डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई स्ट्रांगली नहीं होने तो एक बात अलग है, बट आप देख रहे हो अपने फ्यूचरिस्टिक चीज के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए या पोस्टल के लिए, आप जा रहे हो अब्रॉड जॉब करने के लिए या स्टडी करने के लिए या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में लगानी है, इस तरह के अगर ख्वाब आपने सजोए हैं ना अपने, तो मान लेना ये डॉक्यूमेंट जिंदगी भर आपके वेरीफाई नहीं होंगे और किसी भी दिन आप फंस जाओगे और जेल जाना पड़ेगा आप लोगों को। या तो डॉक्यूमेंट्स लो ही तब जब आप वेरिफिकेशन की तसल्ली से खोल कर लो कि मैं अपने डॉक्यूमेंट्स RTI से वेरीफाई कराऊंगा वरना डॉक्यूमेंट्स नहीं लूंगा। यूनिवर्सिटीज जानती हैं कि हम अगर डॉक्यूमेंट्स को मना कर दें तो स्टूडेंट हमारा कुछ नहीं कर पाएगा, यही एक बहुत बड़ा रीजन है इसके पीछे। अपने डॉक्यूमेंट्स को बिना ऐसी यूनिवर्सिटी से जो कि RTI वेरीफाई नहीं करती है, चाहे जो नेट पर अपलोड नहीं करती है, वहां से अपने डॉक्यूमेंट्स लो ही मत। या तो बेहतर है कि बिना डॉक्यूमेंट के कोई जॉब देखो अच्छी सी, या फिर अपने सिस्टमेटिकली कोर्स करो, सिस्टमेटिकली एडमिशन लो, कम से कम पेमेंट स्लिप होगी आपके पास, एडमिशन लोगे, बोनाफाइड लेटर होगा आपके पास एडमिट कार्ड्स होंगे, बैक डेट जहां से आप लेते हो एडमिशन उनसे बोलो कि भाई मुझे अपने एडमिट कार्ड चाहिए, वो आपको एडमिट कार्ड भी नहीं देंगे। दोस्तों आप इन यूनिवर्सिटीज पर रत्ती भर भी भरोसा मत कीजिए, मैं आपको बता रहा हूं आए दिन डेली हमारे पास कोई ना कोई कहीं ना कहीं से मेल आता है, फोन आता है, या फिर आप लोग कमेंट करते हो बताते हो आप बीती कि क्या कुछ बीता आपके साथ, कैसे आपकी कंपनी ने आपको निकाल दिया, या फिर कैसे आपको अपनी गवर्नमेंट जॉब से हाथ धोना पड़ा और आपके ऊपर ही फॉर्जरी का चीटिंग का केस दर्ज हो गया और आपको ही वो लीगल प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। दोस्तों आप में से किसी भी स्टूडेंट के साथ किसी भी तरह की प्रॉब्लम अगर घटित हुई है, कोई भी एजुकेशन में आपने डॉक्यूमेंट्स कहीं से लिए और बाद में आपको समस्या आई है, दोस्तों हम लोगों कमेंट में जाके जरूर बताएं हमारी इस वीडियो में, हमें इंस्टाग्राम पे कमेंट करें या फेसबुक कमेंट करें या फिर हम लोगों को व्हाट्सएप करो। दोस्तों व्हाट्सएप आप में से वही लोग करें जो सीरियसली कुछ जेन्युइन क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या आप चाहते हैं डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस के तरीके से वेरिफिकेशन को समझना। आप बिना बात में क्वेश्चन मत डाला कीजिए कि हम इस यूनिवर्सिटी से ये कोर्स किया है, रिजल्ट कब आएगा, वो आप देख सकते हो
वेबसाइट पे जाके उन लोगों की, क्योंकि डेली इतने सारे व्हाट्सएप आते हैं, सबका जवाब देना थोड़ा भारी होता है, थोड़ा मुश्किल होता है, बट हम कोशिश करते हैं मैं और मेरी टीम कि हम सबको रिप्लाई कर सके। आप हमें कमेंट जरूर करें अगर आपका कोई भी क्वेश्चन जेन्युइन है तो। दोस्तों उम्मीद करता हूं जो मैंने आज की वीडियो बनाई और आपको बताया कि आपके डॉक्यूमेंट्स किसी भी गवर्नमेंट जॉब या किसी भी हायर चीज के लिए वैलिड बिल्कुल नहीं है, यूनिवर्सिटीज वेरीफाई नहीं करेंगी, आपको समझ आया होगा, और बैक डेट से आप एडमिशन नहीं लेंगे, बैक डेट से कोई डिग्री आप नहीं लेंगे, और आपने अगर ले लिए हैं तो डॉक्यूमेंट्स को अभी के अभी आप RTA लगाकर वेरीफाई जरूर कराएंगे। दोस्तों अगर अच्छा लगा हमारा आज का वीडियो तो हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाएं, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वो लोग भी अवेयर कर सकें अपने आप को क्या कुछ चल रहा है एजुकेशन दुनिया में, अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, परिजनों तक हमारी वीडियोस को पहुंचाएं, ताकि हम उनको बता सकें, क्योंकि हम लोते हैं जो आपको बताते हैं आपके एजुकेशनल राइट्स और क्या कुछ गलत चल रहा है इस एजुकेशन की दुनिया में। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों हमारी वीडियो साथ बने रहने के लिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा।